हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो कई दिनों बाद व्लॉग में आ रहे हैं, पर अब व्लॉग धमाकेदार आएंगे क्योंकि मैं इंडिया जा रहा हूँ भाई, और ऊपर ऊपर का मैं दिखाना चाहता हूँ इस आदमी को। ये धुमा वो था, ठंड बहुत है यहाँ पे। कहाँ जा रहे तो ये ऐसे हो जाता है कभी कभी, ठंड हो ना तो देखो मैं भी आता हूँ। तो भाई अभी हम लंदन जा रहे हैं। हमारा प्लान ये था कि मैंने मेरे ऑफिस से एक दिन की ना हॉलीडे पहले ले ली, और इसने भी ले ली, हम दोनों एक जगह काम करते हैं, तो हमने ले ली और छुट्टी ले ली, और अब हम जा रहे हैं लंदन। तो भाई कहता कि मुझे लंदन की नाइट लाइफ देखनी है, तो ये जेंटलमैन है, मैं भी जेंटलमैन हूँ, तो फिर हम क्लब्स में जाएंगे। कसिनो में भी जा सकते हैं, जाना है कसिनो में। 20-20 pounds का भाई बजट है कसिनो में। अगर 20 pounds से 1 rupee भी ऊपर जीते हैं, मैं कह रहा हूँ रुपये मतलब पैनी भी जीते, तो भी हम अपने पैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना, पहले बता रहा हूँ। जरूर व्लॉग बनाऊंगा मैं, अगर वो अलाउ करेंगे तो। और इसकी तो सुबह हाँ, और बस चलते हैं, सामान सुमान डाल दिया है। देखो भाई बस देखो कितनी बढ़िया है, टीवी टाइम चल रहा है, बस बढ़िया समझ यू। लंदन आ लिए, लगा आईटीआई वाले बाला की है। हेलो ब्रदर, हेलो। ओके हार्ड भाई, डांडी टूटी में डाली छोरे ने, डांडी कटाने पीछे कोनी भाई। कितने कटती है भाई? 11 pounds के मेरा 18-20 था। 1800 rupees में डांडी नहीं कटवाई जाती, बढ़ाई लेंगे इससे अच्छा तो। ये बचते पार्ट टाइम जॉब पे इसकी। ट्रिमर है, ट्रिमर है दे बंदा, गुड इन्वेस्टमेंट। कितने का है? 220 का एमआई आ रहा है, कौन सा एमआई का? चलो सही है, तुम एंजॉय करो, मैं अंदर एंजॉय करके आता हूँ। बाथरूम में एंजॉय करके आएगा। हाँ भाई साहब, कितने रुपए समोसा खा रहे हैं भाई? 300 rupees। अबे हट, 250 rupees का एक समोसा। 250 rupees का समोसा पकड़ो। चलो भाई, 250 rupees का समोसा लेके कैसा फील हो रहा है? वो भी आस पड़ी। 250 rupees का समोसा लेके जान लग रहा है, अमीर तो बहुत होगा आज तो। प्रदीप, अमीर ही तो बहुत फील हो रही होगी ना? 250 rupees का एक समोसा भाई साहब, इतना अमीर? 750 rupees में सोता लेके आया भाई, इसका मतलब? वाह भाई वाह। चेयर्स मेट, चेयर्स मेट। ये क्या हो गया? है नहीं भाई। क्या है? चेयर्स मेट। तो दोस्तों, मैं भूल गया था, सीधा बस के बाद अब आपको याद दिखा रहा हूँ। एक दिन बाद मैंने चेक इन कर लिया, लगेज दे दिया, सिर्फ कैबिन बैग मेरे पास है, और बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद। और अब मैं ना वो जो कौन सा एरिया होता है यहाँ पे, ये शॉपिंग वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पे मैं शॉपिंग करूँगा अभी जी। लुई विटों और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखता हूँ। मेरे को एक, मेरे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे तक कुछ माथा मारता हूँ और कुछ खाता हूँ, खाने का मन करेगा तो। लेट्स सी यार भाई, मैंने यहाँ पे 9 lakh rupees की भी वो अल्कोहल देखी, 9 lakh rupees की। मैंने भी ले लिया कुछ सामान, एक पासपोर्ट पे 2 ही बोतल अलाउड है, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी के लिए है, किसी ने मंगाई है तो उनके लिए है। तो बस आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स, तो यू मत कहना। और भाई 9 lakh rupees की दारू यार, 9 lakh rupees की। तो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं कन्नू को लेने, और ये मैंने ऐसे जानबूझ के किया क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे नाखून दिखाना चाहती थी। क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना ना बताओ। मेरी मम्मी रास्ते में इमोशनल हो गई थी, रो दी थी थोड़ी सी। गाना ऐसा लगवा दिया इस पापा ने, लगवाया था ये चला रास्ता, गाना ऐसा लगा दिया, क्राई आ गया थोड़ा मम्मी को। तो हम कन्नू को लेके लेने जा रहे हैं, हम कन्नू से पूरे पूरे 1 साल के बाद मिलेंगे। तो गाइस, हम अब कन्नू से पूरे पूरे 1 साल और 2 महीने बाद मिले हैं, तो हमें खुशी हो रही है भाई लोग, भाई लोग। आप बोलना, आप बोल लो भाई को। हाँ बिल्कुल, 1 साल 2 महीने बाद
और कन्नू से थोर मिलेगा। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई साहब से। और एक साल का हो चुका है 2 तारीख को। और अगली बार रचित के आने के बाद अच्छे अच्छे सरप्राइज देंगे आप लोगों को। और एक और सरप्राइज देते, मानो रजिया के बच्चे हो गए। गाइज रजिया के बच्चे हो गए, जिस शुभ दिन पर रजिया के बच्चे हो उसी शुभ दिन पर कन्नू आ रहा है। तो आज दो खुशियाँ, आज दो अच्छी चीजें हो रही है। ओ गाइज सॉरी, अभी हम आ गए एयरपोर्ट पे। ये पापा भी आए हैं, ये पापा को देख लो प्लीज सारे लोग एक बार इस इंसान को। तो हम आ गए एयरपोर्ट पे और अभी बस 8-9 बजे कन्नू भाई साहब यहाँ पर लैंड हो जाएंगे। उसकी फ्लाइट डिले हो गई। चाट पापड़ी आराम से खिला चाट पापड़ी से। आपका देश में चाट पापड़ी से स्वागत हो गया। पापा सबसे पहले तो आपका पापा को सम्मानित किया जाता है। इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ माल, मेन चीज दिखाओ। पापा को सम्मानित किया, बिल भी दिख गया, बिल छुपा दो। तो पैसे ले लो मानो, तेरे को तो फोन में बाद में दूंगा, ठीक है, जब तक पीछे काम चला। तू तो 14 ले, पीछे काम चला। कैसा लगा जबरदस्त सरप्राइज? कौन सा है ये? पहली बार इसमें मन पसंद तू, ये तो 14 प्रो मिल रहा था। कलर ठीक है। ये आज कन्नू आ गया है वापस। वेलकम, धन्यवाद भाई साहब। नए फोन से बनाओ ना भाई साहब, घर जाके बनाएंगे। अभी हम अपने पुराने फोन से काम चलाएंगे। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मम्मी तो रो दी थी, मैं भी रो दी थी। पापा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है गाइस, अब हम गाड़ी में जाके मिलते हैं। सेकंड डे और आज मैं आया हूँ फार्म पे, और फार्म पे इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रखे है। तो आज सरप्राइज तैयार कर रखे पापा। बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज है। एक बार शिव कुमार गेट खोल लेगा फिर जाते हैं। पार्क तो पूरा तैयार कर रखे है। एक साल 2 महीने के बाद आया है। पार्क बहुत ज्यादा वेल मेंटेन करा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। ये देखो, और ये किचन एरिया भाई। हाँ अच्छा, किचन एरिया वो। हाँ भाई, खुशी खुशी खुशी। और ये रजिया या सुल्ताना? ये सुल्ताना। ये हॉस्टल में आया हुआ है। सो भाई, जो नया बंदा देख रहा हो, तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है हिसार सिटी के अंदर। हिसार के आसपास आप न्यू दिल्ली में भी रहते हो या चंडीगढ़, कहीं भी रहते हो, तो अगर आपने अपना डॉग हॉस्टल में छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। बीच में एक बार थोड़ी ऐड कर देते हैं, ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो आप। और सरप्राइज दिखाता हूँ क्या है। सरप्राइज देख लो भाई, ये किचन है, ये पूरा बंद कर दिया। अब ये हमारे एरियाज है, ये आपने पुरानी वीडियो में देख लेना, यहाँ पे हमारा सेटअप है पूरा। और सरप्राइज देखते हो। हाँ भाई सुल्ताना, रजिया, ये देखो रजिया। हाँ बेटी, और ये रजिया ने हमारे को सरप्राइज दे दिया। मैं जब इंडिया लैंड हुआ हूँ
ये छोटे छोटे पप्पीज दे दिए इसने। पांच बच्चे आ गए। ओए जा तेरे बच्चे देख ले। छुटके छुटके ओए चुपो ओए चुपो तेरे बच्चे हैं ये। थाइयो एक मम्मी जब तो होता रहे वो थोड़ा ही कितना है था। इधर आ जा इधर आ इधर आ इधर बेटा तेरा ही है तेरा आ जा इधर आ तेरा ही है तेरा ही इधर देखो दूध पी रहे देखो सारे दूध पीने लग गए। और ये देखो पापा ये बंटी है हाँ और ये भी इतनी बड़ी होगी काई खाने वाली यार आप लोग ना मैं सच में बहुत बड़ी हो गई यार ये तो कैसा लगा। और हमारी बजीज देखो ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो भाई आपको हमारे प्यारे पप्पी जिसको भी अगर किसी को लेने हैं तो पेंडावस्टी के नंबर पे कॉल कर लेना और ये नंबर भी आ रहा है तो आओ प्यार से अभी तो नहीं देंगे ये जब 45 डेज के होंगे तब देंगे। एक बार बुकिंग ओपन आप बुकिंग कर सकते हो फोन पे कॉल कर लो हमारे पेंडावस्टी फोन पे और बहुत प्यारे बच्चे हैं जैसी जैसी है ना हाँ फ्रेंडली बिल्कुल वैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और पांच ही बच्चे हैं ज्यादा नहीं है भाई। हाँ तो किसी को लेने हैं तो आप भाई इस नंबर पे फोन कर लेना किस नंबर पे इस पे कर लेना। और भाई चलो अपना और चीजें देखते हैं बाहर और इसको थोड़ी प्राइवेसी दे देते हैं देख सारे दूध पी रहे प्यारे बच्चे। अरे बहुत समझदार माँ है बहुत ज्यादा देखो कैसे पी रहा है सुबह अपने लेके क्वालिटी आपको दिख रही है रजिया की कैसी है बच्चे ऐसे ही होने हैं। अब ये देखो भाई एक दिन के बच्चे हैं ये हाँ। 4 बजे बच्चे पैदा हुए हैं अभी 7 बजे हैं तो हमारी रजिया के पास हम 5 जने बैठे हैं और ये बात क्या ये मिलने के लिए मंदरिया ये जल्दी आओ देखो सरप्राइज दिखाते हो इसने पी लिया ऊपर वाले इसने सो भी क्या पी के रजिया पूरा ध्यान रखियो इनका बहुत समझदार है ये हाथ मिला लो ये तो चीज बाजी कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप में से किसी को पपीज लेने हैं तो अभी बुकिंग ओपन है आप कॉल करो पेडोवर्सिटी के नंबर पे 9466833311 और अपना बच्चा बुक करा लो। और कैसा लगा भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इंडिया आके थोर के साथ मिलने वाली वीडियो मैं अलग से डालूंगा वो अगली वीडियो आएगी पर इस वीडियो पे आप बहुत सारा प्यार दो स्पैम कर दो कमेंट में जो अच्छा आपको फील होता वो लिखो पर वीडियो को लाइक करो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय।